कलयुग की माँ रोती बिलखती छोड़ गई ढाई महीने की बच्ची, अपने ही अंश पर माँ को जरा भी दया नहीं आई। हालांकि पता नहीं उसकी क्या मजबूरी रही होगी। मामला है हरियाणा के यमुनानगर जिले का, जहां देर रात सिविल अस्पताल जगाधरी के आइसोलेशन वार्ड में कोई महिला अपनी ढाई महीने की बच्ची को छोड़ गई। 12 बजे रात बच्ची को जब भूख लगी तो वो रोने लगी। रात भर अस्पताल का स्टाफ बच्ची के माँ बाप के बारे में पता करता रहा। रात को ही पुलिस फ्री मौके पर आई और बच्ची को अस्पताल के चाइल्ड केयर यूनिट में शिफ्ट किया गया। हालांकि बच्ची की हालत सही बताई जा रही है। वहीं बाल संरक्षण यूनिटी अधिकारी ने बताया कि बच्ची को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है और फिलहाल 317 के तहत मामला दर्ज करवाया गया है और बच्ची के परिजनों की तलाश की जा रही है। आज सुबह हमें एक जानकारी मिली सिटी जगाधरी थाना के माध्यम से कि एक बच्ची सिविल हॉस्पिटल जगाधरी में एडमिट है। वो एक महीने की बच्ची है और वो कल रात लगभग 10 बजे के आसपास वो लावारिस हालत में मिली थी। आज हम लोग बच्चे से मिले हैं, बच्चे की हालत ठीक है और बच्चा सुरक्षित है और अभी 2-3 दिन हम बच्चे को यहीं पर ही रखेंगे। बच्ची का जो केस है वो बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है और जो भी आगे जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये एक फीमेल चाइल्ड है और इसके अभी 3 दिन के बाद जो है इसकी गुमशुदगी की जो है अखबार में दे दी जाएगी सूचना और इसका 317 का पर्चा दर्ज कर लिया गया है। इस बच्चे को जो है कल रात आइसोलेशन वार्ड में कोई लावारिस हालत में छोड़ के गया है और इसके परिजनों का भी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है और इस बच्चे को इस यहीं के स्टाफ द्वारा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैम कितने टाइम? बच्ची लगभग 1 महीने की। भले ही सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर बेटियों को सुरक्षित करने का प्रयास किया हो और अगले जन मोहे बिटिया ही दीजो का प्रचार मीडिया के माध्यम से भी किया जाता हो, लेकिन फिर भी आज के इस दौर में कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो अपने ही संतान को इस तरह लावारिस छोड़ जाते हैं। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमिता ओब्राई की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।